और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। हमारे गांव में अभी जो है इधर साइड को आपको दिख रहा होगा गेहूं नहीं काट रखे हैं अभी, और इधर साइड को जो है पूरा शेरा जो है खाली हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते वाले में है ठंड पानी, यहाँ पर बोलते हैं मतलब थोड़ा सा पानी यहाँ पर आता है। ये पानी हमेशा मतलब इतना ही देखा रहता है हमेशा के लिए, और अभी खेत में काम कर रहे हैं छाड़ बल। ये होने लगे हैं फेरे स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आशा खेतवाल, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल आशा ब्लॉग्स में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम पे और अपने गांव से, और शाम का टाइम है आज और हमारे गांव में है आज शादी, और मैं जा रही हूँ वहीं पे क्योंकि शाम को सुबह से टाइम नहीं मिल पाया तो अपने काम से बागेश्वर गई हुई थी। तो अभी थोड़ा सा पता किया तो शादी अभी भी है वहाँ पर, फेरे वगैरह चल रहे हैं तो अभी जा रही हूँ मैं वहीं पर। और ये है हमारा गांव पीछे, और ये गेहूं हो रखे हैं, पॉली हाउस लगा है, और हर्षू की मम्मी भी आ रही मेरे साथ पे। हमारे गांव में अभी जो है इधर साइड को आपको दिख रहा होगा गेहूं नहीं काट रखे हैं अभी, और इधर साइड को जो है पूरा शेरा जो है खाली हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लगभग मतलब फाइनल की ओर है, थोड़ा सा बचा हुआ है, दो चार ही खेत यहाँ पर बचे हुए हैं, बाकी सारे गेहूँ हमारे गाँव में काट दिए गए हैं। बाकी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं अपना गांव, और अपने गांव में जो गेहूं वगैरह काटे हैं कितने नहीं काटे हैं वो सारी चीज़ें दिखाती हूं। तो ये है ऊपर साइड का रास्ते से ऊपर साइड को, जो यहां जो है गेहूं सारे काट दिए गए हैं, और ये है रास्ते से नीचे को, और यहां जो है अभी गेहूं नहीं काट रखे, दो चार ही यहां पे बचे हुए हैं खेत, क्योंकि ये वाला जो है सिंचाई वाला एरिया है हमारा, तो यहाँ को जो है कम हो रखे हैं अभी मतलब, और इधर साइड को जो है पूरे काट दिए हैं ये। और ये रुद्र जा रहा, रुद्र देख। तो अभी हम पहुंचे हैं आधे रास्ते में, और ये इसको बोलते हैं हम लोग ठंड पानी का पुल, ठंड पानी का पुल इसको बोलते हैं, और इसके ठीक सामने ठंड पानी का मतलब है यहाँ पर जो धारा आप लोगों को उधर मंदिर जैसा दिख रहा है ये धारा है हमारे वहाँ का, और यहाँ पर जो है पानी परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए यहाँ पे पानी आता है, ठंड पानी यहाँ पर बोला जाता है। और शायद आप लोगों को दिख रहा होगा ये नीचे जो है खेत में पूरे गिलास वगैरह फेंके हैं प्लेट, क्योंकि यहाँ पे शायद जब शादी आई होगी तो उस समय जो है यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था कर रखी होगी, चाय और नमकीन की। और ये है हमारा धारा, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है हमारे गांव का। वैसे तो धारे बहुत सारे हैं पर ये वाला जो है गांव के इधर साइड वाले में है, ठंड पानी यहाँ पर बोलते हैं मतलब थोड़ा सा पानी यहाँ पर आता है। ये पानी हमेशा मतलब इतना ही देखा मैंने, अभी 10-11 साल मेरे को भी हो गए हैं, और इस प्रकार से ये धारा है ये बनाया गया है, और इस पर भी कलर अलर कर रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है धारा, रास्ते ठीक रास्ते में है, मतलब जब कभी भी कोई महिलाएं या कोई भी आने जाने वाले थकान अगर उन लोगों को लगती है तो यहाँ पर ही वो लोग जो है पानी पीते हैं, और यहीं से ऊपर को फिर है शादी वाला रास्ता। ये है हमारे परिवार के जो है सबसे सयाने सीनियर अम्मा, और इनको मैंने पहले होली में भी आप लोगों को दिखाया था, ये हंस रहे हैं मतलब यादगार रहता है हमेशा के लिए, और अभी खेत में काम कर रहे हैं छाड़ बोल। ये है हमारा सुंदर सा गांव, शेरापुरा खाली हो चुका है अभी फिलहाल, पार दिख रहा है देवल चोरा, और यहाँ पर ही लगा हुआ है मेन गेट शादी का।
पर दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा हमारा पहाड़ी जो छलिया हुआ है ढोल दमवे का डांस, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे चल रहा है पहाड़ी ढोल में। अभी विदाई हो चुकी है और हम लोग आगे से आ गए हैं। दुल्हन जो है दुर्गुण पलटाने जा रही है। मैं तो लेट पहुंची, थोड़ी सी देखी शादी। शादी से हम लोग पहुंच चुके हैं घर और रुद्र कुछ इस तरह से डांस कर रहा है अभी, वहाँ देखा होगा इसने। और शादी अच्छी थी क्योंकि लेट हम लोग गए।